गाइस, अगर आपको भी लोग पतला पापड़, सूखी डंडी और पतली तीली कह के बुलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 फैशन हैक्स बताऊंगा जिसके बाद आपको ब्रॉड दिखने में हेल्प होगी, युवराज वाला ब्रॉड नहीं, जिसमें से टिप नंबर सेकंड एंड थर्ड आपको इंस्टेंट रिजल्ट देंगे। टिप नंबर 1, अवॉइड बैगी क्लोज। गाइस, जैसे हर बेवकूफ बंदे को लगता है कि उसे छोड़कर सब बेवकूफ है, वैसे ही हर पतले लड़के को ये लगता है कि अगर वो बैगी कपड़े पहनेगा तो वो ब्रॉड लगेगा, पर एक्चुअल में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप ओवरसाइज टी शर्ट पहनोगे तो आपके आर्म्स और ज्यादा पतले लगेंगे और लुक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हैंगर पे किसी ने कपड़े टांगे हो। तो आप इन दोनों इमेजेस से आइडिया लगा सकते हो कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है। तो गाइस, आप ऐसी गलती मत करना और हमेशा स्लिम फिट क्लोथ में इन्वेस्ट करना जो ना ज्यादा टाइट हो और ना ज्यादा लूज। टिप नंबर 2, वियर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स स्लिम लड़कों के लिए बिल्कुल जीने के चिराग जैसा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे आपका अपर बॉडी फ्रेम इंस्टेंटली ब्रॉड लगता है, और साथ में हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स एक टाइमलेस एंड वर्सेटाइल पैटर्न है जिसे आप चीनोज, जीन्स और शॉर्ट्स के साथ टीम अप कर सकते हो। तो जब आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप टी शर्ट वियर करोगे तो ये आपके शोल्डर और चेस्ट को वाइडर दिखाएगा। पर गाइस, आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपका सीना भी बिल्कुल मोदी जी जैसे 56 इंच का हो जाएगा। टिप नंबर 3, लेयरिंग। किंग्स लेयरिंग इस लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट हैक है जो आपको इंस्टेंटली बल्कि दिखाता है और साथ में आपके बेसिक आउटफिट को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो गाइस, लेयरिंग के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो एक फुल स्लीव शर्ट, क्योंकि फुल स्लीव शर्ट आपके पतले आर्म्स को कवर कर लेगी और साथ में अगर आप स्लीव्स को रोल अप कर लोगे तो आपके आर्म्स भी थोड़े मस्कुलर लगेंगे और साथ में आपके फोर आर्म्स भी शो होंगे, जिसका अपने ही एक बहुत ही बड़ा फायदा है, क्योंकि काफी रिसर्च में देखा गया है कि 69% लड़कियों को लड़कों के फोर आर्म्स अट्रैक्टिव लगते हैं जब उनके स्लीव्स एल्बो तक फोल्ड होती है, और काफी रिसर्चेस में यह भी देखा गया है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी अट्रैक्टिवनेस भी 83% बढ़ जाती है। टिप नंबर 4, अवॉइड वीनेक टी शर्ट। वीनेक टी शर्ट एक ऐसी टी शर्ट है जो हमारे अपर चेस्ट को हाईलाइट करती है, जिससे कि सबकी अटेंशन हमारे अपर चेस्ट और नेक पे जाती है। तो अगर आप स्लिम हो और वीनेक टी शर्ट वियर करोगे तो आपके चेस्ट को और ज्यादा छोटा दिखाएगी और साथ में आपकी नेक ज्यादा लंबी लगेगी, जिससे आपकी अपर बॉडी जो है उससे भी स्लिम लगेगी। तो आपको वी नेक टी शर्ट की जगह राउंड नेक टी शर्ट वियर करनी है जिससे आपका फ्रेम विजुअली वाइडर लगेगा। टिप नंबर 5, अवॉइड स्किनी जीन्स। गाइस, आपको स्किनी जीन्स तो बिल्कुल ही नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं और जब आप इसे वियर करोगे तो आपकी अपर एंड लोअर बॉडी प्रोपोर्शनल नहीं लगेगी और साथ में स्किनी जीन्स पहनने से आपके लेग्स जो है उससे भी पतले लगेंगे। तो आप स्किनी जीन्स की जगह स्लिम फिट जीन्स लेना, और अगर आपके पैर आपके अपर बॉडी के कंपैरेटिवली ज्यादा पतले हैं तो आप एक स्लिम फिट कार्गो में इन्वेस्ट करना, जिससे आपके पैर विजुअली थोड़े बल्कि लगेंगे और साथ में आपकी लोअर और अपर बॉडी भी प्रोपोर्शनेट लगेगी। और गाइस, टीनेज में लोग सबसे ज्यादा फैशन मिस्टेक्स करते हैं, तो अगर आप टीनेजर हो तो ये वीडियो अभी देखो।